गाइस चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मम्मा क्या बना रही हैं आज आज ब्रेकफास्ट में मम्मा क्या बना रही हैं। तो ये मुझे कुछ जानी पहचानी सी फ्रेग्रेंस आ रही है। है मम्मा कुछ जानी पहचानी सी फ्रेग्रेंस आ रही है। हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छा भी रहना चाहिए। तो आज फिर से आहना को याद आ गई ब्रेड पिज्जा की और मैं आ गई हूँ किचन में। तो आहना के लिए बना रही हूँ ब्रेड पिज्जा। और यश तुम भी ब्रेड पिज्जा खाओगे कि ब्रेड बटर? मैं तो ब्रेड पिज्जा खाऊंगा। यश भी ब्रेड पिज्जा खाएंगे। तो फिर इन दोनों के लिए बनाती हूँ ब्रेड पिज्जा। मिलते हैं फिर बाद में ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस अभी हम लोग किचन में आ गए हैं और हम लोग क्या बनाने वाले हैं आज मम्मा से पूछते हैं। चलिए हेलो गाइस। तो इस टाइम हो रहा है 3:30 और मैं इस टाइम लेटी हुई थी। तो यश और आहना को अच्छा नहीं लग रहा था मम्मा लेटी है क्योंकि मम्मा फिर सो जाएगी 5-10 मिनट में। तो यश और आहना पीछे पड़ गए मेरे को केक बनाओ केक बनाओ केक बनाओ। अब इनको बताया मैंने कि रीजन होता है केक बनाने का कोई रीजन है। तो आहाना बोलने लगी कि क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर टोटल 17K व्यूज हो गए हैं तो आप इसलिए अब केक बनाओ। तो फिर हमने कहा ठीक है ये रीजन रखा आहाना ने। तो अब मैं जा रही हूँ केक बनाने। दिखाती हूँ आपको केक बनने के बाद बताते हैं। ठीक है फिर मिलते हैं केक बनने के बाद। बाय बाय। सो गाइस मैंने कर लिया है केक का मटेरियल रेडी और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मटेरियल रेडी केक का और बैटर हाँ बैटर रेडी कर लिया है और इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है। आना उसको रख दो डोंट टच बेबी। तो फिर ये लास्ट में गया इसमें इनो पाउडर। इनो गया बस बस लास्ट में गया इनो थोड़ा बहुत हाफ पाउच डाला है मैंने इनो बिकॉज मैंने इसमें सोडा वगैरह डाल दिया था तो इससे ज्यादा मैं नहीं डाल सकती थी। और फिर मैंने इनो डाल के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे इनो डाल के उसको मैंने कर दिया है प्रॉपर वे में मिक्स कर दिया। लुक एट दिस सी। तो फिर आना हाथ रुकेगा मम्मा का थोड़ी दूर हाथ रुकेगा ना आना। इसको मैंने ऐसे मिक्स कर दिया स्पून से। सो गाइस मटेरियल को जल्दी से मैंने डाल दिया अपने टिन में। और केक का सारा बैटर टिन में ट्रांसफर करने के तो मैं अब इस रबर बैंड से रख देता हूँ। रबर बैंड लगा के अभी साइड में रखो। तो फिर जब हमारा रेडी हो जाता है तो हम अपना टिन जो है इसको टैप कर लेते हैं। टैप इसलिए कर लेते हैं बिकॉज इसमें जो ये एयर फिल हो जाती है तो बबल्स से बन जाते हैं। वो बबल्स थोड़ा सा ऐसे से टैप करेंगे तो कहीं भी एयर फिल है। रेडी किया है देसी ओवन बिकॉज मैं माइक्रोवेव में नहीं बना रही हूँ आज। और देसी ओवन मैंने रेडी करा है। इस पे रखा है मैंने भगोना और भगोने के ऊपर मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ा सा सॉल्ट जो कि अब गर्म हो चुका है अच्छे से। प्रीहीट कर लिया इसको मैंने जैसे हम माइक्रोवेव या ओवन प्रीहीट करते हैं उसी तरीके से। तो फिर ये मैंने इसमें रख दिया थोड़ा केयरफुली रखिए मैंने तो अभी ग्लव्स भी नहीं पहने हुए तो ये रख दिया मैंने इसमें। और उसके बाद इसको बिल्कुल बंद करके ऐसे इसके ऊपर कोई भी हैवी हो कुछ भी वो आप रख दीजिए। मैंने इसमें अभी अदरक जैसे कूटते हैं वो रख दिया है। और ये हो गया है रेडी। अब हम मिलते हैं 20 to 25 मिनट्स बाद। ये मैं ओपन करके देखूंगी इसको। और इसमें मैंने क्या किया था पहले लिया था मैदा। मैदा में थोड़ा सा वो चीनी जो जो मेरे घर में सामान था मैंने बाहर से कुछ नहीं मंगाया है। कोको पाउडर घर में था तो कोको पाउडर मिक्स कर दिया। चीनी को ही मैंने मिक्सी में पीस लिया था और उसमें डाल दिया। और इनो पाउच रखा था
बेकिंग पाउडर मेरे पास नहीं था तो मैंने बेकिंग सोडा यूज किया था, थोड़ा सा बेकिंग सोडा। हाँ बेटा सब कुछ हॉट है, किचन में कुछ भी टच नहीं करना। बेकिंग सोडा यूज किया था और इनो रखा था, तो इनो का पाउच डाल दिया, थोड़ा सा मैंने कर्ड डाला था और शुगर, कोको पाउडर, थोड़ा सा उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, दूध डाल दिया है, सबको मिक्स किया, बैटर बनाया। बच्चों को केक में, इन बच्चों को चॉकलेट केक में ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ऑलमंड, कैश्यू ये सब डाल दिया है। सो अब वो बेक हो रहा है, अब मैं मिलूंगी 25 to 30 मिनट बाद, इसको ओपन करके देखूंगी, टूथपिक से चेक कर लूंगी और देखते हैं फिर केक कैसा बनता है। बाय बाय। आज मैंने आपको कल बताया था कि आज हम काली माँ से मिलने जाएंगे और ऐसे हम पार्क भी जाएंगे ऐसे, क्योंकि पार्क में बहुत सारी वीडियो आपने लाइक करके लाइक करके आप सबको थैंक यू, इसलिए हम जा रहे हैं पार्क में और अभी हम पार्क में आपको जाते हैं, ऐसे बाद में मिलते हैं फिर। बाय। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं पार्क में, एंटर कर चुके हैं हम लोग, बस अभी हम लोग अच्छी जगह देखते हैं बैठने के लिए, उसके बाद हम लोग पहले अच्छे से फ्रेम मिल रहे थे, वहाँ हम खूब सारे शॉर्ट्स डालने वाले आज, चलिए फिर देख पहले डालते हैं शॉर्ट्स, फिर मिलते हैं उसके बाद। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, आज फिर आए थे पार्क आना की शॉर्ट्स वीडियो बनवाने, नहीं काली माँ के पास जा रहे हैं अब हम। हाँ अब हम जा रहे हैं काली माँ के पास, बिकॉज कल बारिश हो गई थी तो हम लोग वहाँ जा नहीं पाए थे, तो अब हम लोग निकल रहे हैं काली माँ के मंदिर, फिर जाएंगे घर वापस। तो हम लोग शॉर्ट्स वीडियो डाल चुके हैं, आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो खैर आना ही आपसे बोलेगी, सो बाय बाय, मेरी भी सुंदर कर दीजिए। तो चलिए फिर निकलते हैं अभी काली माँ के मंदिर, मिलवाते हैं हम उनसे आपको, तो चलिए। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं रात हो गई है, तो बस अभी अंदर आरती हो रही है, चलिए चलते हैं अभी मिलवाते हैं आपसे। आप लोग देख सकते हैं सामने काली माँ, अभी आरती फिनिश हुई है, बिल्कुल अभी आरती फिनिश हुई है, अब चलिए हम लोग चलते हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं। सुबह आए जब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, आज हम लोगों ने आरती अटेंड किया, आरती हो गई थी 8 to 8:30, आई थिंक 8:45 हो रहा है, 8:50 हो रहा है, तो आज का टाइम हो गया है घर जाके, अभी खाना भी रेडी करना है, डिनर थोड़ा बहुत आधा लग गया थी आधा नहीं, तो बाय बाय, चलिए चलते हैं हम लोग। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं मार्केट में, मोटो में आपको मार्केट नहीं है, हमारे घर के पीछे न्यूडे मार्ट है, हम लोग उसमें आ चुके हैं, यहाँ लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी इसलिए हम आ चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक लेनी थी, कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ऐसे सामान भी ले सकते हैं, वैसे कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे हम यहाँ का सामान लेने, इसलिए चलो गाइस हम आपके घर मिलते हैं, बाय। गाइस अभी हम सामान ले रहे हैं, ये दादू अभी पीटीएम भी कर सकते हैं, वो भाई भी पीटीएम कर सकता है, तो अभी हम आ चुके हैं मार्केट में, आप लोग देख सकते हैं भाई है, भाई क्या कर रहे हो, मैगी को आया पॉपकॉर्न बहुत पसंद है मुझे, मैगी मसाला वाला पॉपकॉर्न और अच्छा भी बहुत लगता है, तो गाइस हम खराब से आपसे मिलते हैं और फिर इसके लिए आपको बाय बाय। सो फाइनली गाइज मैं रेडी कर चुकी हूँ केक, और केक बच्चों का मन था तो मैंने केक बना दिया, और अब मैं भी आई हूँ, जस्ट भगवान जी को थोड़ा सा भोग लगा देती हूँ और उसके बाद डिनर रेडी करती हूँ। डिनर में मैं दाल बनाकर गई थी, सूखे आलू मैंने रेडी करके रखे हुए हैं, बस जल्दी से फ्राई करती हूँ और बच्चों को लगाती हूँ खाना, क्योंकि टाइम हो चुका है 9:30। सो बाय बाय, टेक केयर। So guys, आज मैं माँ काली के मंदिर गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं पार्क में आपको दिखाई गई थी, तो मैं सच आपसे बोला था कि हम पार्क जाएंगे, इसलिए पार्क गई। So guys, आज मैं माँ काली के मंदिर गई थी, मुझे बहुत खाना भी अच्छा लगा, और तो मैंने उनका प्रसाद भी खाया, मतलब बहुत अच्छा लगा,
तो गाइस मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, मुझे ज्यादा नींद भी आ रही है। तो यहाँ अभी हम ब्लॉग एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय हरे कृष्णा चुई दिन बाय गुड नाइट। Struggling to see what I'm doing. Did I take a bullet for you?